अजरबैजान की सीमा से लौटते समय घने कोहरे वाली पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर रविवार 19 मई को शाम 7 बजे के करीब क्रैश हुआ था। ये चौपर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ 9 और लोगों को लेकर आ रहा था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के 16 घंटे के बाद सोमवार की सुबह घने कोहरे में छुपा चौपर का जब मलबा मिला तो इस बात की आशंका सामने आ गई कि उस पर सवार कोई भी जिंदा नहीं बचा। इब्राहिम रईसी अजरबैजान से सटी सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करने गए थे और वहां से वह लौट रहे थे। इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अमीर अब्दुल्लाहीन ईरान का कट्टरपंथी था। कहा जाता है कि अमीर अब्दुल्लाहीन अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का सारा बंदोबस्त खुद देखता था। अमीर अब्दुल्लाहीन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत की देखरेख करते हुए पश्चिम का सामना किया था। इजरायल गाजा युद्ध के बाद से ही ईरान और इजरायल के बीच तल्खी बढ़ गई है। ऐसे में चर्चा है कि अगर यह हेलीकॉप्टर हादसा साजिश है तो इसमें इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर सुर्खियों में आते ही सोशल मीडिया पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद अचानक ट्रेंड करने लगी। हर तरफ दबी छुपी जुबान पर लोग यही बात करते दिखाई दे रहे हैं कि ईरान के दो बड़े और कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहीन की मौत कहीं किसी मास्टर प्लान का हिस्सा तो नहीं।